देखो सबसे पहले हमने लेना है चाइल्ड बेसिक बॉडीज ब्लॉग में लेंथ, ठीक है। लेंथ कितनी थी अपनी? 10 इंच हमने लेनी लेंथ। देखो चार्ट पेपर को यहाँ से ओपन रखना है क्योंकि ये फ्रंट ओपन है अपना, ठीक है। यहाँ से यहाँ लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद इसको हमने यहाँ इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, बिल्कुल ऐसे। पहले लाइंस लगाते हैं स्ट्रेट, ठीक है। दूसरा हमने लेना है आर्म होल के लिए 5 इंच, ठीक है। बहुत इजी है, ये तरीका मैं आपको बता रही हूँ। इधर से इधर देखो, अब दोबारा से देख लो। सबसे पहले लेनी है हमने लेंथ बॉडीज के लिए 10 इंच हमारी लेंथ है। इसको आप मान लो ए और बी। ए बी कितने लिया? लेंथ 10 इंच। फिर हमने ये शोल्डर वाली लाइन लगानी है 5 इंचेस। 5 इंचेस लगा के इसको ऐसे ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइन लगा दी, ठीक है। नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी लगानी है। अपना शोल्डर कितना था? शोल्डर था 4.5। 4.5 मतलब 9 इंच है, उसका हाफ ले लिया 4.5, ठीक है। 4.5 इधर से इधर लेते हुए यहाँ पे हमने ये वाली लाइन लगा लेनी है, ठीक है। स्ट्रेट लगा ली ये वाली लाइन। फिर हमने यहाँ से शोल्डर का लेना है 1/2 इंच, जो मैंने आपको बताया था सी सी, ठीक है। ये वाला हमने लिया 1/2 इंचेस। फिर हमने लेना है यहाँ से नेक, ए से डी पॉइंट जो लेना है, नेक पॉइंट, नेक हमारा गला, यहाँ से हमने लेना है ओनली 2 इंचेस। बेबी का है ना, बहुत छोटा बनेगा ये। और हमारी लेंथ लेनी है हमने 2.5 इंचेस, ठीक है। इधर से भी 2 इंच लगाना है, बॉक्स बनाना है इसको। बॉक्स बनाना है इसको यहाँ से यहाँ ऐसे, और यहाँ से यहाँ ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट इसको ज्वाइन करा लेना है, ठीक है। और हमने ये C2 लगाया था ना, ये C1, इसको इसके साथ हमने मैच कर देना है बिल्कुल। शोल्डर लाइन है हमारी नेक लेने के बाद इसके साथ मैच कर दिया है, स्ट्रेट लाइन से मैच कर दिया, ठीक है। ये हमने कुछ नहीं करना, ये सब ऐसा कर लिया। उसके बाद हमने ये चेस्ट देखनी है, हमारी चेस्ट कितनी है। चेस्ट अपने लेनी है 5.5। हाँ 5.5 इंचेस, क्योंकि हमारी कितनी है 22 इंचेस है ना, उसका 4th पार्ट ये हो गया। ये लेके और ये लेके हमारा बन गया। और हमने नीचे लेना है वेस्ट, कमर, बच्चे की कमर कितनी है 20 इंचेस, उसका हाफ हो गया हमारा 5 इंचेस, हाफ का हाफ। फिर इन दोनों को स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। बन गया है, बॉक्स बन गया हमारा। देखो अब हमने ये 45 डिग्री एंगल पे हमने एक एक लाइन लगा लेनी है, ठीक है। ये लगाने के बाद यहाँ से हमने लेना है हल्का सा पॉइंट लगाना है 0.75, ठीक है। और दूसरा सेम यहाँ पे हमने एक ऐसी लाइन लगा लेनी है ऐसे, ये भी 45 डिग्री की लाइन बन जाएगी, क्योंकि आपसे अभी सीधा नहीं लगेगा। तो यहाँ से हमने भी 0.7, यहाँ से यहाँ 0.7 इंचेस ये हमने निशान लगा लेना, राउंड कर्व देने के लिए। राउंड कर्व देने के लिए हमने इसको हिलाया ऐसे हल्का हल्का, इसको ऐसे ऐसे मैच करते हुए इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसको भी ऐसे ही, हमने इसको शेप को यहाँ से 1/2 इंच ले लेना, ऐसे ज्वाइन कर देना, ठीक है। थोड़ी सी शेप में गड़बड़, यहाँ से यहाँ लिया हमने 1/2 इंच, यहाँ चाहे लिख लेना 0.5 इंचेस, ठीक है। फिर इसको इसके साथ ज्वाइन ऐसे मैच करते हुए ये लगा देना है। और वहाँ यहाँ से हमारा लिया था हमने 0.75, यहाँ से यहाँ हमने ले लेना है, नहीं 0.75, 0.75 से हमारा कर्व अच्छा बनेगा, राउंड कर्व बनाना है। हाँ इधर से सेंटर से लेते हुए यहाँ ऐसे ऐसे, फिर इसके सेंटर से लेते हुए इसके सेंटर के साथ हमने जाके मैच कर देना है। ये आपका बन गया बॉडीज फ्रंट, फ्रंट पार्ट 1, और ये वाला पार्ट 2 हो जाएगा आपका सेम। है कोई कंफ्यूजन? अब अगर आपको फिर भी लगे तो यहाँ पे आप एरो लगा लेना, यहाँ से यहाँ हमने टोटल जो लेंथ ली है यहाँ से यहाँ हम एरो लगाएंगे ऐसे करके। ये एरो लगा हमारा लेंथ का, टोटल लेंथ कितनी हुई 10 इंचेस। फिर हमने ये वेस्ट कमर कितनी ली वो वाला लगाएंगे, ठीक है। ये हमारा हुआ 5 इंच, और यहाँ से यहाँ हमारा आर्म होल का जो हमने चेस्ट का लगाया वो कितना है, वो वाला भी लगा लेना है निशान 0.5 इंचेस।
साढ़े पांच इंचेस हो गया, ठीक है। और यहां से यहां हमने जो लगाया ये वाली लाइन, शोल्डर वाली लाइन, ये वाली भी लिख लेनी है अगर आपको लगे कंफ्यूजन, साढ़े चार इंचेस, क्योंकि नाइन इंच हमारा शोल्डर है। और ये नेक 2.5, और इधर को लेना है हमने 2 इंचेस। आप कोई कंफ्यूजन है नहीं? और ये हाफ इंच शोल्डर लाइन, ठीक है। अब हमने इसको कटिंग लाइन ये वाली, हमने ये वाला ये पॉइंट हमारा कट हो जाएगा, कट करके हमने अलग कर लेना है। लाओ मैं कटिंग कर दूँ इसी में, ऐसे रखना सीजर। लो इसको कट करके दिखा देती हूँ आपको। इसको ऐसे दोनों को पकड़ के ज्वाइन ऐसे हमने इसको कट करना है। जब बैक का बनाना तो बैक में सिर्फ नेक का चेंज होगा अपना, ये ऐसे करके अलग हमने कर लेना है, इससे अलग करके इसको हमने कट कर लेना है। यहाँ से हमने शेप देने इजी हो जाएगी। ये देखो, ये हमने आर्म होल की शेप कट करी, देखो ये हमारे दो बन गए फ्रंट ओपनिंग पर, ये फ्रंट वन, ये फ्रंट टू, ये हमारे बन गए, ठीक है। आप सेम लाइन जैसे इधर लगी हुई है सेम लाइन इधर भी ऐसे लगा ड्रॉ कर सकते हो, हेल्पिंग के लिए एरो लगा सकते हो कि लेंथ, चेस्ट ये सब अपना दे सकते हो। जैसे ये कितना था और ये लेंथ कितनी थी, ये आपने देना है। ये हमारी लेंथ हो गई 10 इंचेस, राउंड चेस्ट हमारी 5.5 इंचेस ऐसे करके, और शोल्डर का भी अपना लिख लेना 4.5 इंचेस, बस ये 3-4, और यहाँ से वेस्ट अपनी 5 इंचेस, टोटल 10 इंचेस, ठीक है। ये हमारा फ्रंट बन गया। अभी हमने बैक नहीं बनाया, बैक भी बनाना है, बैक का सिर्फ नेक छोटा होगा, बाकी ये हमारा बॉडी रह गया। देखो ये अपना फ्रंट कट हो गया, सेम हमने बैक कट करना है। बैक में हमारा ये बच्चे का आर्म होल का कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ नेक का चेंज होगा। इसको हमने सेम ऐसे लेना है, और पहले हमने ओपनिंग पे बनाया, अब हमने ऑन फोल्ड, देखो ये दोनों पेपर ऑन फोल्ड है, ऑन फोल्ड को लेके इसको हमने ऐसे बिल ऐसे रखे, हमने सेम मैच करते हुए इसको ट्रेस कर लेना है, ऐसे ट्रेस रख के इसके ऊपर अच्छे से ये निशान लगाया, ट्रेस करना है, ठीक है। ट्रेसिंग तो आती होगी, आम होल नहीं बनाना, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये ऐसे हमने रख के, ये लाइन अगर कोई टेढ़ी होगी तो हमने इसको पॉइंट लगा लेंगे स्केल से, एक बार सीधी कर लेंगे, ठीक है। फिर हमने यहाँ ये फ्रंट का नेक भी ट्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको यहीं से पता लगेगा कि हमने चेंजेस क्या करें। सेम एज इट इज हमने इसको ट्रेस कर लिया, ये हमारा फ्रंट, ठीक है, ये हमारा फ्रंट हो गया। फिर हमने इसमें क्या करना है, सिर्फ नेक का चेंजेस करना है, क्योंकि हमने इसमें कॉलर अटैच करना है, फ्रंट ओपनिंग थी, तो इसमें यहाँ से इतना सा चेंज करना है इसका, हमने यहाँ से देना है 0.75, ठीक है, हाफ इंच नहीं देना, बहुत छोटा आ जाएगा, 0.75 देना है। यहाँ से अपना ध्यान रखना, पॉइंट देना है, ठीक है, 0.75 इंच का निशान लगाकर इसको बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लगा लेनी है लाइन। स्ट्रेट लाइन लगाने के बाद यहाँ से हमने इसको कर्व दे देना है हल्का सा, ऐसे करके ये कर्व दे दिया, ठीक है। कर्व देने के बाद इसको हमने को कट कर देना है सेम, ये अपना रेडी हो गया। जो हाफ इंच हम कट करते हैं ना वो ऊपर को ज्यादा हो जाता है, 0.75 आपका एज इट इज होगा। इसको ऐसे पूरा कट करके अलग कर देना पेपर को। अब सेम ऐसे इसको कटिंग कर लेनी है हमने। बैक इजी है ना,
हाँ फ्रंट पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है आपको, फ्रंट आ जाएगा, बहुत इजी है, टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। ये देखो ये हमारा हो गया, यहाँ पे स्केल देना, ऐसे लाइन लगा के लिख देना बैक बॉडीज, ठीक है। ये हमारा बैक कट हो गया, इस पर सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, एक लाइन हमने ऐसे लगानी है ऑन ग्रेन, ये ऑन ग्रेन, इसको ऑन ग्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो कटिंग होती है ना वो ऑन ग्रेन लाइन साइड से होती है, ठीक है। बाकी सब इसमें अगर आपने लिखना है तो लिख देना, यहाँ पे लेंथ लिख देना, किसकी भी लेंथ 10 इंच है, और ये हमारा टोटल कितना है 22 इंचेस, चेस्ट राउंड चेस्ट और लेंथ, ये दो चीजें लिख देना, ठीक है, राउंड चेस्ट 22 इंचेस, बस इस पे ज्यादा कुछ नहीं लिखना। बाकी ये है हमारा बैक, चाइल्ड बच्चे का ना, चाइल्ड बेसिक बॉडीज ब्लॉक, डन।